इस वक्त मैं मौजूद हूँ मंडी बाउद्दीन के सबसे मशहूर पिकनिक पॉइंट रसूल बिराज पे। यहाँ पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ मौलवी आसिफ मछली फरोश के पास, और मुझे नहीं लगता जिन लोगों ने इस इलाके का सफ़र किया हो उन्होंने यहाँ पे रुक के मछली ना खाई हो। 32 साल से ये लोग यहाँ पे मछली फरोश कर रहे हैं। मिनिस्टर हमीदा वहीदुद्दीन साहब इनको जायके और सफाई के लिहाज से अवार्ड भी दे चुकी हैं, और आप यकीनन सुनकर हैरान परेशान होंगे। मछली का सीज़न होता है सर्दियों का, लेकिन गर्मियों में इनके एक दिन की सेल 20 से 30 हज़ार होती है। आइए ज़रा जानते हैं इनके किचन के हालात क्या है और इनके मालिक से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। इसके अलावा भी यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे स्टॉल हैं मछली के, लेकिन आपका नाम जो है सबसे अलग लिया जाता है, लोग पसंद करते हैं आपकी मछली को, इसके पीछे क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि हम एक तो अच्छा ऑयल इस्तेमाल करते हैं, और अच्छी क्वालिटी की जो मछली होती है ना वो हमारे पास दस्तियाब होती हैं, और पाकिस्तान के और गैर मुल्क भी हमारे पास होती हैं। जो लोग जो छोटे दुकानदार हैं वो जो अफोर्ड नहीं कर सकते वहाँ से मंगवानी, टैक्स पड़ता है, सारा कुछ होता है, ये मेन वजह ये है। और कितनी इकसाम की मछली आपके पास? तकरीबन 12-13 का। जो आप कह रहे हैं गैर मुल्की मछलियाँ, वो कौन सी होती है? पंगश आती है, वबार से आती है, ट्राउट आती है, तो उधर स्वात लोगों से उधर से आती है, गुलगित से, इधर से वो मछलियाँ आई नहीं। तो आप ये सारी इम्पोर्ट करते हैं? हम करते हैं, अवेलेबल होती है हमारे पास ये सारी। तो ये जितनी इम्पोर्ट होती होगी बाहर से या पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से, उनका तो फिर रेट भी बहुत हाई होगा। उनके रेट बहुत ज़्यादा हैं, 3,000 से 2,500 से शुरू होती हैं। और लोग यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्पेशल जो चीज़ है वो पसंद कौन सी करते हैं? ग्रेल मछली जो कोलों पर बनी होती है। आपको खुद कौन सी पसंद? मुझे काला रूह पसंद है, ग्रिल चिड़ा पसंद है मुझे। हाँ जी, मछली है जिसमें कांटे थोड़े होते हैं, मज़ेदार वही मछली होती है। अच्छा, आपके बिल्कुल साथ दरिया है जेलम, लेकिन इसके हिसाब से तालाब भी बहुत सारे मौजूद हैं। सवाल आपके ये अहम है कि ये मछली जो होती है सारी दरिया की है? हाँ जी जी जी, नहीं नहीं, वो बड़ा ज़रूरी सवाल है। कुछ लोग कहते हैं कि ये सारी इस दरिया जेलम से मंगवाते हो, नहीं ऐसा नहीं है। ये रोह हम मंगवाते हैं चश्मा बराज से, यहाँ अवेलेबल नहीं है रोह, बड़े रोह इधर होते को नहीं हमारे इधर। सबसे ज़्यादा जेलम निकलता है गुलफाम, वो गुलफाम हमारे पास वैसे इधर होता है नज़दीक जो हम रहते हैं। जो सोल होते हैं वो कादराबाद से हम मंगवाते हैं, उस दरिया से। इधर कई कुछ मछलियाँ सारी एक जगह पे एक साम नहीं निकलती, ये सारी हर दरिया का एक मुख्तलिफ सिस्टम है, उसमें ज़रा के अफजा से नस्ल कुछ की ज़्यादा है कुछ की कम है। अच्छा, तो लोग जो दावा करते हैं, जिस आप जिस स्टॉल पे भी चले जाओ वो दावा करते हैं ये सारी इसी दरिया की मछली है, तो वो सच होते हैं? ऐसा नहीं बात है। देखो ना, जब कपड़े की दुकान पे जाते हो और हल्के कपड़े भी होते हैं, जिस तरह किताबें जल्द करने वाले कपड़े होते हैं, इसी तरह ये भी सिस्टम है। गाड़ियों के शोरूम पर जाते हो, हल्की गाड़ियाँ भी होती हैं, अच्छी क्वालिटी की गाड़ियाँ भी होती हैं, ये भी यही सिस्टम है। एक 1200 रुपये से शुरू होती है मछली, तो ये देखो 3,000 रुपये चली जाती हैं। जब भी हम लोग आते हैं या यहाँ से गुजरते हैं तो आपके पास बहुत ज़्यादा रश होता है, तो फिर तो सेल बहुत अच्छी होगी माशाल्लाह। सर्दियों में माशाल्लाह यहाँ बहुत रश होता है, जो चेयर कम पड़ जाती हैं। गर्मियों हमने तो गर्मियों में सुना आपकी 10-12 हज़ार सेल है। गर्मियों में 15-20 हज़ार भी हो जाती है सेल रोज़ की, गर्मियों में चलता रहता है। हम तो बंद करते नहीं, हमारे तो शटर नहीं है इसके। आप सड़क के किनारे बैठे हुए हैं, फूड बिजनेस जितना होता है सबसे ज्यादा उस पर डिपेंड करता है सफाई का, इसके बारे में तो आप सफाई को कैसे मेंटेन करते हैं? सफाई हम रात तकरीबन 12 बजे होटल बंद होता है हमारा, रात को हम इसे फरनेल के साथ दोबारा रिपेयर सफाई करते हैं दोबारा सारे, या आलू वगैरह को धोते हैं। फिर उसके बाद हमारी सफाई का ये मेयार है कि मिनिस्टर साहब से उम्मीदें भेजुद्दीन, अब तो MP हैं, तो उन्होंने हमें सफाई का जायके का अवार्ड दिया था। हाँ, मछली के बड़े फ़ायदे हैं। एक तो आप दिल के मसले पे सबसे बड़ी डिपेंड, ये लोग समझते हैं कि दिल के मछली खाने से दिल की तकलीफ़ें कम होती हैं, लेकिन फिर भी वो लोग फ्राई खाते हैं, फ्राई नहीं खानी चाहिए दिल के मरीजों को, वो ग्रिल खानी चाहिए। ग्रिल कोले पे जो बनी होती है उसमें से ऑयल वगैरह नहीं इस्तेमाल होता, उसके लिए सबसे ज़रूरी है। दूसरे नंबर पर जो फालिज की शिकायत होती है उसके लिए भी, मुझे कोई ऐसी बीमारी बता दें जिस पर डॉक्टर मछली मना करता हो, किसी कोई बीमारी ऐसी नहीं। तो ये जो आप लोग स्टार्ट डलवाते हो 5-5, 10-10 लाख रुपए के हम डलवाते हैं, मैं कहता हूँ ये डलवाने की ज़रूरत नहीं। मछली खाओ तो कोई स्टार्ट वगैरह की ज़रूरत नहीं। मछली सबसे अहम है कि वो कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करती है, दिल की तकलीफ़ को, शरियानों को ओपन करती है, शरियाने बंद होने, गाढ़ा खून होने को, वो जिस पंजाबी में कहते हैं पतला करती है, ये बड़ा ज़रूरी है। मछली तो मैं अल्लाह ताला तफीक दे तो लाजमी खानी चाहिए, नई ताकत के लोग तो कम से कम पाइया खा लेनी चाहिए। जी लोग कहते हैं ना बाहर जाना चाहिए, मैं कहता हूँ पाकिस्तान में अगर सही दिल से नीयत ठीक हो, इरादा मजबूत हो, तो कोई काम इधर ही बाहर बन जाता है। मैंने तो एक गनेरियाँ बेचने से शुरू किया था, उसके बाद मैंने वो ज़मीन में गड़ा खोद के वो लकड़ियाँ डाल के वो फूकनी वगैरह ला के उससे शुरू किया था। एक फूल डाल दिया था, एक प्लास्टिक का जग, एक गिलास,
उसमें लोग आके बैठ के उधर खाना खाते थे 100 रुपये का 200 रुपये का। तो अल्लाह ताला ने करम किया तो ये ज़मीन हमने अपनी ख़रीद के ये होटल लगाए, इधर सेटअप किया अपना, तैयार किया, नीचे लेडीज़ हॉल है, ऊपर ये। तो पाकिस्तान में तो काम करने वाले को, ये लोग कहते हैं ना बेरोज़गारी, मुझे बड़ा गुस्सा आता है बेरोज़गारी। कहाँ है बेरोज़गारी? नकम्मे और नखटुओं को हम बेरोज़गार कहते हैं, जहाँ तो भूखे को नहीं मर सकता काम करने वाले को। हम लोग जब घर मछली बनाते हैं उसमें वो जायका नहीं होता, आपके पास हुआ था, इसकी क्या वजह? ये भी बड़ा सवाल है आपका। आम लेडीज़ हम पे आके गिला करते हैं कि वो भाई जी अंकल जी हमने तो घर बनाई है, वो जायका इधर क्यों नहीं? एक तो जो हम मसाले इस्तेमाल करते हैं ना, ये घर में कोई बंदा इस्तेमाल नहीं करता। वो घर में लून मिर्च लगा के कहते हैं जो मछली का काम, और घी कम होता है, ऑयल अच्छी क्वालिटी का नहीं इस्तेमाल करते। 1 किलो घी है, 1 किलो मछली है, वो कैसे होगी? हम तो 10-15-20 किलो कड़ा में डालते हैं तो फिर जाके उसमें 5 किलो या 4 किलो करते हैं। दूसरे नंबर पे मछली को मसाला लगा के थोड़े थोड़ा 2 घंटे नहीं तो 2 दिन होना चाहिए। अच्छा, हाँ, उसमें फ्रिज में रखना चाहिए मसाले। तो ये ख़राब नहीं होती? ख़राब नहीं होती। जो मुझे कहते हैं ना मुझे मछली के काम से घाटा पड़ गया, मुझे साबित करके दिखाए, मैं उसे पेमेंट दूंगा। कैसे घाटा पड़ गया? आप उसे टेम्परेचर नहीं दे रहे हो जिस टेम्परेचर की उसे ज़रूरत है। तो आपको घर इधर रख दी, फ्रिज के बाहर पड़ी है, उसको ऊपर वाले खाने में रखना है, अगर मसाला लगा दिया नीचे वाले खाने में रखना है। ये बड़ी ज़रूरी सवाल है। अदरक का इस्तेमाल करना है, जवैन का इस्तेमाल करना है, ये बड़ा ज़रूरी है स्मेल ख़त्म करने के लिए। सबसे ज़्यादा हमने यही सुना है कि मछली, फ्राई मछली मिलती है, मछली से किस किस किस्म के पकवान बनते हैं? जी बड़े बड़े अच्छे पकवान बनते हैं। सबसे हमारा इधर जो शॉप है ना, हमारा जो फील्ड है, इधर हम सिर्फ और ग्रिल और फ्राई करते हैं। तीसरी कोई हम जहन बना रहे हैं कि इसका कीमा भी दें लोगों को, इसमें कांटा नहीं होगा, लोग कीमे की शक्ल में बैठ कर खाया करेंगे, कोई कांटा नहीं होगा उसमें, हड्डी तक कोई चीज़ नहीं होगी उसमें। सो नाज़रीन, आपने देखा एक दिलचस्प वीडियो आपको देखने को मिली। जब भी आप मंडी बाउद्दीन से जहलम का सफ़र करें, रसूल बिराज के किनारे मौलवी आसिफ मछली फरोश के पास आप लाजमी आएँ, टेस्ट कीजिएगा। और उन्होंने सबसे एक अहम बात यह की है कि जो लोग मायूस होते हैं और स्पेशली हमारे इलाकों के लोग, वो जो कहते हैं कि डंकी लगा के जाएँ पाकिस्तान में कुछ नहीं पड़ा, तो उनके लिए आसिफ साहब एक बड़ी मिसाल है। जो खुद कहते हैं कि मैंने एक छोटे से स्टॉल से शुरू किया और आज इतना बड़ा सेटअप है कि आप हैरान परेशान होंगे। और मछली का फ़ायदा जो है कि नबी पाक सल्लम की सबसे पसंदीदा ग़िज़ाओं में से ये भी थी, और ऐसे काम में घाटा पड़ना, नुकसान होना, ये हो नहीं सकता। मज़ीद इस वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।